आज हमारी स्ट्राइक का 22वां दिन हो गया, चैन हंगर स्ट्राइक का। अफसोस गवर्नमेंट अभी भी सीधी से नहीं, मजबूर हमें रोड बंद चाहे काम छोड़ के हड़ताल की स्ट्राइक कॉल आउट देनी पड़ेगी। इससे पहले हम गवर्नमेंट से फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, भाई हमारे जो तीन मुख्य डिमांडे हैं उस पर वो अमल करे और हमारे साथ बात करे, नहीं तो मजबूर हमें वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। रोड बंद हो, पानी बंद हुआ, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर कोई भी परेशानी आती है इस समय में तो इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट रहेगी। हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दी है, हमारा जीवन खत्म हो चुका, मगर अब हमारे बच्चों का इशू है, बच्चों की शिक्षा और उनकी रोटी। आए दिन स्कूलों से बच्चों के लिए फीस के लिए परेशान किया जा रहा है और नई बुक्स वगैरह भी लेने की ज़रूरत है, मगर गवर्नमेंट हमारी भी अभी तक हमारी मांगों को सीरियसली नहीं ले रही। इसीलिए आपके माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि हमारी जो तीन मुख्य डिमांडें हैं जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी पेंडिंग वेजी जो हमारा 6-6 साल का बना हुआ और मिनी वेजी एक्ट, इस पर गवर्नमेंट जल्दी कोई डिसीजन ले, नहीं तो आने वाले दिनों में आप देखोगे हम रोडों पे होंगे और रोड पानी बंद करना पड़ा तो वो भी करेंगे, मगर इससे पहले कि गवर्नमेंट हमारा मसला हल करे ताकि हम भी अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और टाइम से उनकी पढ़ाई का काम कंप्लीट कर सकें।